सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए फिर तक मैंने जो भी वैकेंसी मेरे संज्ञान में आई है मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, वो लगभग अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन एक परमानेंट वैकेंसी आ गई IREL इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है परमाणु ऊर्जा विभाग का, वो मुंबई में लगभग इसका हेड ऑफिस है। और ये समझ लीजिए ये एक परमानेंट जो है वैकेंसी है, जो इसकी लास्ट डेट और ओपनिंग डेट मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी लास्ट डेट 17/6/2022 से फार्म ओपन हुआ है और 7 जुलाई 2022 तक ये जो है फार्म एंड होगा। तो आप जो है कोशिश करिए कि इस फार्म को अप्लाई करिए और आप परमानेंट वैकेंसी अच्छी सैलरी पाने के लिए जो है आप ऑथराइज्ड हैं। और उसके साथ साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग पैकेज है। यहाँ पर आपका ITI जो फिटर इलेक्ट्रीशियन से है, दो ही ट्रेडों को यहाँ पर मांग रखा है आपका, तो यहाँ पर फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताया गया है। और एज बहुत अच्छी रखी है, 35 साल तक जो है इस फार्म को अप्लाई कर सकता है बच्चा। और यदि वो OBC है तो उसको छूट भी मिलेगी, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। साथ में क्या है कि इसकी जो पे ग्रेड है और जो स्टाइपेंड हमको मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको जो स्टाइपेंड दिख रहा है 22,000 से 88,000 तक आपको सैलरी जो है पर मंथ इस पर मिलेगी। तो इस पर क्या है, अलग अलग ये पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है वैकेंसी यहाँ पर शो कर रहा है। तो PC6 में ट्रेड्समैन ट्रेनीज ITI फिटर इलेक्ट्रीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें 28 जो है सीटें यहाँ पर दिखा रहा है। जनरल की 13 पोस्टें हैं, OBC की 3 हैं, SC की 4 हैं और ST की 6 हैं, EWS की 2 हैं यहाँ पर पोस्टें। उसके साथ साथ यहाँ पर PC7 में दिखा रहा है फिटर और इलेक्ट्रीशियन को, यहाँ पर 14 पोस्टें हैं, 9 पोस्टें जनरल की हैं, OBC की 3 पोस्टें, SC की 1 पोस्ट, EWS की 1 पोस्ट। यहाँ पर PC8 इसमें फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए फिर मांग रखा है, यहाँ पर भी 14 पोस्टें हैं। तो अलग अलग विभागों में यहाँ पर अलग अलग पोस्टें निकाल रखी हैं, लेकिन लगभग फिटर और इलेक्ट्रीशियन को ज़्यादा पर्पज में मांग रखा है। सैलरी भी मैं बता चुका हूँ, 22,000 से 88,000 रुपये तक आपकी सैलरी पर मंथ मिलेगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आपके जो मुताबिक मैं ITI के हिसाब से बताऊँगा। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पर ट्रेड्समैन ट्रेनीज की आपकी पोस्ट होगी और आप SSC मतलब हाई स्कूल स्टेट या सेंट्रल लेवल से आप किए हुए हों, और ITI या NAC मतलब आपके पास ITI है तो ठीक है, ITI के साथ NAC है तब भी ठीक है, और NAC आपका पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप केवल ITI पास हैं तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द एविलेंट ट्रेड्स, तो यहाँ पर 2 साल का आपको इंडस्ट्रियल जो है ट्रेनिंग जो आपका यहाँ पर मांग रखा है इसने साथ में, और इस प्रकार से आपको ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास होगा तो आप ज़रूर इस फार्म को अप्लाई करिए। उसके साथ मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ एज रिलैक्सेशन भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD जनरल का 10 साल का, और OBC का PWD का जो है 13 साल का। तो इस प्रकार से बहुत मतलब 35 साल तो इसकी एज ऑलरेडी मांग ही रहा है, साथ में एज रिलैक्सेशंस भी आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से यहाँ पर होगा, तो इसमें ये दिखा रहा है कि फर्स्ट बेसिस आपका जो है फर्स्ट लेवल आपका रिटर्न टेस्ट होगा, यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका, उसमें क्या पूछा जाएगा, आपकी जो ट्रेड है उससे संबंधित क्या पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जो ITI होल्डर्स जो बच्चे हैं फिटर इलेक्ट्रीशियन के, उनके लिए सब्जेक्ट नॉलेज का 50 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ओनली थ्योरी से पूछा जाएगा, 50 नंबर जो है आपका सब्जेक्ट, जिस स्टेट जिस व्यवसाय से आप हैं जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर 50 पेपर सेकंड जो आएगा आपका वो 50 नंबर का जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल और रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सिलेक्शन। अब मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि रिटर्न टेस्ट जो है सेंटर कहाँ पे आपका सेंटर लगेगा, तो ITI जो ITI होल्डर्स बच्चे हैं यहाँ पर देखिए P6 से P8 तक जो ट्रेड्समैन ट्रेनीज ITI हैं वो भुवनेश्वर, कुटाक, त्रिवेंद्रम, कोची, चेन्नई, मदुरई, इसमें जो है आपका यहाँ पर जो है पेपर लगेगा, रिटर्न टेस्ट जो है एग्जामिनेशन आपका सेंटर जो है इस जगह पर जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस फार्म को आप अप्लाई ज़रूर करिए क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है, बहुत दिनों बाद जो है ITI के लिए फिर से जो है परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है, तो आप जल्दी से इस फार्म को अप्लाई करिए।
और फार्म का जो नोटिफिकेशन है मैं आपको जो है आपके टेलीग्राम मतलब जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जो है आपका ये जो है इसका नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा। उस लिंक को आप ओपन करके जो है देख लीजिएगा और इस फार्म को अप्लाई करिएगा, क्योंकि एज भी बहुत अच्छी है और सैलरी भी बहुत अच्छी है, परमानेंट वैकेंसी है। तो और फिर मैं बता रहा हूँ कि आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पर डे जो है लगभग निजी तौर पर जो है आईटीआई से डिप्लोमा से रिलेटेड जो है आपकी वैकेंसी बराबर आती रहती है। और फिर मैं नई वैकेंसी लेकर आऊँगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।